दुनिया के लोग कहते हैं कि महादेव में कितना बल है, शिव में कितना बल है। हम कहेंगे इतनी विशाल गंगा को जो अपनी जटा में एक छोटी सी जगह में स्थान दे सकता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक हाथ की हथेली में उठाकर अपने मस्तक पर रख सकता है। अविरल बहने वाली वो गंगा, अविरल बहने वाली वो गंगा निरंतर बहती है, निरंतर बहती है। और उस गंगा को मेरे महादेव अपनी जटा में स्थान देते, और पूरी जटा में स्थान नहीं दिया। आप थोड़ा ध्यान लगाकर देखेंगे तो पूरी जटा के अंदर भगवान शंकर ने गंगा को विराजमान नहीं करा। अगर पूरी जटा के अंदर भगवान शंकर गंगा को विराजमान करते तो भगवान कृष्ण के साथ में जब रास करने के लिए गए थे तो उन्होंने अपनी चोटी बनाई थी बाल खोलकर, उन्होंने अपने केश खोल लिए थे और चोटी बना ली थी। भगवान शंकर ने अपने बाल खोल लिए थे और उसमें चोटी गुथवा ली थी। तो पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि जिस गंगा को आपने अपने मस्तक पर धारण करा है, मैं आपका जूड़ा बना रही हूँ, चोटी बना रही हूँ, आप रास करने के लिए ब्रज में जा रहे हैं तो वो गंगा मुझे नजर नहीं आ रही। वो गंगा मुझे नहीं दिख रही है जिस गंगा को आपने मस्तक पर संजोया है, जिस गंगा को आपने अपने मस्तक पर रखा वो गंगा मुझे नजर नहीं आ रही। गणेश जी काय पे बैठते हैं, जम के बोलो जरा। लोग कहेंगे मूसक पे, चूहे पे। पर जब भी गणेश जी का दर्शन करेंगे तो उनको सिंहासन पर बैठा हुआ पाएंगे। बोलो जी जी, हाँ सही है। भगवान नारायण का दर्शन करोगे तो उनको सिंहासन पर या शेषनाग की सैया पर बैठा हुआ या लेटा हुआ पाओगे। ब्रह्मा जी का जब भी दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। लक्ष्मी जी का दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। ब्रह्माणी का दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओ। इंद्र का दर्शन करोगे तो उनको सिंहासन पर बैठा हुआ पाओ। केवल 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली जाए, 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखिए, केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो किसी सिंहासन पर नहीं बैठते, देव अधिदेव महादेव पृथ्वी पर बैठे हैं, वो मंडल पर विराजमान। उनके लिए कोई सिंहासन नहीं है, उनके लिए कोई सिंहासन जरूरी भी नहीं है। मेरे देवाधिदेव महादेव किसी सिंहासन पर नहीं, मेरे देवाधिदेव महादेव जमीन पर बैठे हैं, भूमि पर। सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति, सोफे पर, पलंग पर, गादी पर बैठने वाला व्यक्ति एक बार गिर सकता है, पर पृथ्वी पर बैठने वाला व्यक्ति गिरेगा क्या? आप सब जमीन पर बैठे हो ना, गिरोगे क्या? नहीं। कोई कुर्सी पर बैठा है उसका पाया टूट गया, गिर जाएगा। कोई पलंग पर बैठा है लुढ़क जाएगा। कोई सिंहासन पर बैठा है वो गिर सकता है। कुर्सी पर बैठने वाला कभी ना कभी कुर्सी से नीचे उतर सकता है। कुर्सी पर बैठने वाला एक ना एक दिन कुर्सी से नीचे आ सकता है। पलंग पर बैठने वाला एक ना एक दिन पलंग से नीचे उतर सकता है।
जो ऊपर बैठता है उसको नीचे आना ही पड़ता है। पर नीचे वाला कितना नीचे जाएगा? जाएगा क्या? नीचे वाला नीचे नहीं जाएगा। नीचे वाला अगर जाएगा तो ऊपर की ओर बढ़ेगा, पर नीचे की ओर नहीं बढ़ेगा। वो मेरा मन, वो मेरा शिव, वो मेरा शंकर है, वो मेरा वो घड़ी शंभु है। जमीन पर बैठा है, भूमि पर बैठा है, जमीन पर बैठता है, और जमीन पर बैठने के बाद में वो एक ज्ञान देते हैं। मेरे महादेव जमीन पर बैठने के बाद आपको समझा रहे होते हैं कि तुम जमीन को मत छोड़ना, जमीन पर बैठना तो कभी गिरने वाले नहीं हो, कभी नहीं गिर सकते। कोई आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गया, कोई आज प्रधानमंत्री के पद पर बैठ गया, कोई आज राष्ट्रपति के पद पर बैठ गया, कोई आज अध्यक्ष के पद पर बैठ गया, कोई आज विधायक के पद पर बैठ गया, कोई आज संसद के पद पर बैठ गया, कोई आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव के पद पर बैठ गया। ये सब कुर्सियां जो मिल गई, कोई कोई कलेक्टर पद पर, कोई कमिश्नर पद पर, कोई एसपी, कोई कलेक्टर, कोई टीआई, किसी किसी पद पर कुर्सी पर हम बैठ गए हैं, पर कितना समय? कोई 60 वर्ष का होगा, रिटायर हो जाएगा कुर्सी से नीचे। अच्छा एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, आप थाने में नौकरी कर रहे हैं, आप किसी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, आपका सिग्नेचर कब तक काम आता है? जब तक आप नौकरी में, जम के बोलो, हैं। रिटायर होने के बाद कोई व्यक्ति थाने में जाए और कह दे लाओ मैं सिग्नेचर करके देता हूं, बंद कर दो इसको, उसके सिग्नेचर मान्य करेंगे? बैंक से रिटायर होने के बाद कोई बैंक के कुर्सी पर, मैनेजर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाए कि लाओ मैं सिग्नेचर करके देता हूँ, 50,000 रुपए निकाल कर दो, कोई मानेगा? कोई टीचर की कुर्सी पर बैठ गया और कहे लाओ मैं इस बच्चे की मार्कशीट बना के देता हूँ, स्वीकार करेगा कोई? नहीं। आप जब तक कुर्सी पर हो, आप जब तक सत्ता पर हो, आप जब तक वैभव पर हो, तब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, आपकी कुर्सी काम कर रही है, आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, आपकी कुर्सी, आपका सिग्नेचर काम कर रहा है। और जैसे ही आप नीचे उतरे, उतरने के बाद आपका सिग्नेचर, आपकी कुर्सी, आपका कोई पद नहीं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, जब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, तब तक इन सिग्नेचर से दुनिया का भला करते चलो। हमने पहले कथा में क्या कहा था आपको? शरीर चले तब तक कथा के पंडाल में जाकर कथा सुन लो, शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, शरीर चले तब तक दान कर लो, और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक दोनों हाथों से कोई पुण्य कार्य कर लीजिए। ये जीवन का एक आनंद है।